Hello everyone and welcome to the class of Applied Mathematics. I am Neha Agrawal and I am a faculty at the Department of Mathematics from NIT Polytechnic, Nagpur. Topic of our today's lecture is derivative of implicit function. So let's see course outcome. Calculate the equation of tangent, maxima, minima and radius of curvature by differentiation. अब हम देखते हैं लर्निंग आउटकम. तो आज का ये वीडियो देखने के बाद आप सभी को डेरिवेटिव ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन क्या होता है और उससे रिलेटेड एग्जांपल्स को किस तरह से सॉल्व करना है ये अच्छे से समझ में आने लगेगा. हमारा आज का टॉपिक है डेरिवेटिव ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शंस. हमने लास्ट लेक्चर में डेरिवेटिव ऑफ लॉगरिथमिक फंक्शन ये टॉपिक कवर किया है. आज जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है. ठीक है, अभी तक हमने जो कंसेप्ट पढ़ा है ये थोड़ा उससे डिफरेंट कंसेप्ट है. आपको ये टॉपिक को बहुत ध्यान से समझने की ज़रूरत है और इससे रिलेटेड एग्जांपल सॉल्व करने के लिए भी आपको अभी जो मैं डिस्क्रिप्शन बताने वाली हूँ उसे बहुत ध्यान से समझना है, सुनना है और याद रखना है. ओके, तो आज का टॉपिक में सबसे पहले हमें क्या समझना है कि इम्प्लिसिट फंक्शन क्या होता है. जैसे कि हमने लास्ट टॉपिक में लॉगरिथमिक फंक्शन पढ़ा था तो उसमें आप लोग को लॉग का मतलब पता ही था. हमने अभी तक जितने भी एग्जांपल्स इसके पहले पढ़े हैं हमें उन सब का यूज़ करते हुए यहाँ पर आगे पढ़ना है. लेकिन उससे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि अभी हम जो टॉपिक पढ़ रहे हैं वो है क्या, मतलब उस फंक्शन का मतलब क्या है. ठीक है, इम्प्लिसिट फंक्शन. तो यहाँ पर दिया हुआ है कि इम्प्लिसिट फंक्शंस आर एक्सप्रेस इन द फॉर्म एफ ऑफ एक्स वाई इक्वल टू ज़ीरो. जो इम्प्लिसिट फंक्शन होता है उसे किस तरह से दर्शाया जाता है, एफ ऑफ एक्स वाई इक्वल टू ज़ीरो के फॉर्म में उसे क्या करा जाता है, एक्सप्रेस किया जाता है, दर्शाया जाता है. तो देखिए, सब में पहले मैं आपको एक और चीज़ एज ए एग्जांपल करके बताती हूँ. हमने फिर उसके बाद हम ये डिस्क्रिप्शन देखेंगे. हमने अभी तक जितने भी फंक्शंस पढ़े हैं, ठीक है, हमने जितने भी फंक्शंस पढ़े हैं अभी तक के, वो कैसे फंक्शंस पढ़े हैं हमने, वो हमने पढ़े हैं y इक्वल टू f ऑफ x, इस फॉर्म में पढ़े हैं. ठीक है, मतलब क्या था कि हमारा एक तरफ वेरिएबल y था और दूसरी तरफ जो फंक्शन था वो कौन से वेरिएबल के फॉर्म में था, x वेरिएबल के फॉर्म में. अगर हमारे पास कोई इक्वेशन भी दिया हुआ होता एक्स स्क्वायर प्लस टू वाई इक्वल टू ई रेस टू द पावर x प्लस y प्लस log x, सपोज हमारे पास अभी इस तरह का एक फंक्शन गिवन है. लेकिन हमने अभी तक जितने भी एग्जांपल्स पढ़े हैं उसमें हमने देखा है कि हमारा लेफ्ट हैंड साइड में वेरिएबल सिर्फ क्या रहता है, y रहता है. तो यहाँ पर जो हमारा दिया हुआ इक्वेशन है जिसे हम स्टार कर रहे हैं तो वहाँ पर भी देखिए वेरिएबल y कहाँ कहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ पर है और ये. ठीक है, तो हम इन दोनों वेरिएबल y को एक तरफ लिख सकते हैं. किस तरह से लिख सकते हैं, 2y, ये जो राइट हैंड साइड में प्लस y है उसे हमने दूसरी तरफ लेकर आया तो ये क्या हो गया, माइनस y इक्वल टू e रेस टू द पावर x जो कि लेफ्ट हैंड साइड में है हमने उसे जैसे का वैसा लिखा, प्लस log x इसे भी हमने एज इट इज लिखा. और देखिए यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में एक्स स्क्वायर है. ओके, ये टर्म हम राइट हैंड साइड में लेकर जाते हैं तो प्लस एक्स स्क्वायर का वो क्या हो जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर.
ओके, तो इस तरह से हमने टर्म लिख लिया। नेक्स्ट स्टेप में हम यहाँ पर 2y माइनस y करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, y इक्वल टू e रेस टू द पावर x प्लस log x माइनस x स्क्वायर। ओके, तो इस तरह का टर्म है हमारा, ठीक है। तो इसे हमें डिफ्रेंशिएट करना आता है, हम सम और डिफरेंस रूल यूज़ करके यहाँ पर इसे डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। इस तरह के हमने एग्जांपल्स देखा है, ओके। लेकिन अब मैं आप लोग के सामने में एक अलग से एग्जांपल लिख रही हूँ, उसे ध्यान दीजिए। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू साइन एक्स वाई, ओके। अब देखिए, हमने यहाँ पर इसके पहले जो फंक्शन लिखा वहाँ पर क्या था, वहाँ पर एक तरफ वेरिएबल y का टर्म था और दूसरी तरफ वेरिएबल x का। अगर नहीं था, जिसे हमने स्टार किया है उस फंक्शन में नहीं था, तो हमने क्या करा, y को एक तरफ कलेक्ट करके हमने वैसे ही उसे अरेंज किया, ठीक है। लेकिन अब देखिए, यहाँ पर भी क्या टर्म दिया है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू साइन एक्स वाई, ये टर्म दिया हुआ है। अब मैं कह रही हूँ कि आप लोग को इसे वाई इक्वल टू इस तरह से अरेंज करना है कि एक तरफ आपका वाई वेरिएबल होना चाहिए। तो देखिए, आप इस फंक्शन को अरेंज कर पाते हैं या नहीं। देखिए, अरेंज करने के लिए वाई कहाँ कहाँ पर है, यहाँ पर वाई स्क्वायर है और ये एक्स वाई है, ठीक है। तो अब यहाँ पर अरेंज करने के लिए ये जो वाई स्क्वायर है, ये हम क्या कर सकते हैं, ये हम जैसे का वैसा ही रहने दे सकते हैं, ठीक है। कहाँ पर, लेफ्ट हैंड साइड में, ओके। तो ये हमने वाई स्क्वायर यहीं पर रहने दिया। राइट हैंड साइड में क्या हो गया, साइन एक्स वाई प्लस एक्स स्क्वायर लेफ्ट हैंड साइड में है, ये राइट हैंड साइड में आके हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर। तो बताइए, अब ये y इक्वल टू अरेंज हुआ है क्या, नहीं, क्योंकि राइट हैंड साइड में भी ये जो एंगल है साइन का, उसके साथ में y लिखा हुआ है। हम ये जो एंगल है उसे अलग कर सकते हैं क्या, नहीं कर सकते। ये अलग हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है, ठीक है। तो ये अलग नहीं हो रहा है, इसका मतलब क्या है, इस फंक्शन में x और y कैसे आ रहे हैं, साथ में ही आ रहे हैं, ओके। कोई अगर हम दूसरा भी टर्म ले, ठीक है, तो भी यहाँ पर कैसा होगा। अब जो हम एग्जांपल्स देखेंगे, वहाँ पर x और y दोनों ही वेरिएबल कैसे आएंगे, एक साथ में आएंगे। हम उसे कैसे भी अरेंज करने की भी कोशिश करें, तो हम ये जो एक्स वाई वेरिएबल है, इन्हें अलग अलग नहीं कर सकते। क्या नहीं कर सकते, अलग अलग नहीं कर सकते। जैसे कि इसके पहले वाले एग्जांपल में, ये वाला जो हमने लिखा है, इसमें हमने क्या करा था, लेफ्ट हैंड साइड में वाई वेरिएबल कर लिया और राइट हैंड साइड में एक्स वेरिएबल। हम वही टर्म यहाँ पर करने के लिए ट्राई कर रहे हैं, तो यहाँ पर वह हो पा रहा है क्या, नहीं हो पा रहा है। यहाँ पर क्या है, वाई स्क्वायर, बट यहाँ पर भी राइट हैंड साइड में वाई वेरिएबल वाला टर्म आ गया है, ठीक है, वाई वेरिएबल का टर्म आ गया है। तो अब देखिए, ये जो फंक्शन है यहाँ पर, ये क्या था, वाई इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, लेकिन यहाँ पर जो टर्म है ये कैसा है, ये है एफ ऑफ एक्स वाई इक्वल टू ज़ीरो। ये जो टर्म है, इसी को हम क्या कहते हैं, इसी टर्म को हम कहते हैं इम्प्लिसिट फंक्शन। इम्प्लिसिट फंक्शन का मतलब होता है जिसमें कि वेरिएबल एक्स और वाई दोनों वेरिएबल हो, ठीक है, और हम उसे एक दूसरे से अलग नहीं कर पाते हैं, तो वही टर्म क्या कहलाता है, इम्प्लिसिट फंक्शन, ओके। और ये जो वाई इक्वल टू एफ ऑफ एक्स रहता है, ये कहलाता है एक्सप्लिसिट फंक्शन। इसे क्या कहते हैं, एक्सप्लिसिट फंक्शन, लेकिन जिसमें x और y
दोनों टर्म रहते हैं, क्या रहते हैं, दोनों टर्म रहते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, इम्प्लिसिट फंक्शन। इस तरह के फंक्शन को कहा जाता है इम्प्लिसिट फंक्शन। तो समझ में आया आप लोग को इम्प्लिसिट फंक्शन का मतलब क्या होता है? सिंपल वे में इम्प्लिसिट फंक्शन का मतलब वह फंक्शन जिस फंक्शन में वेरिएबल एक्स और वाई दोनों ही रहेंगे और हम उन्हें एक दूसरे से अलग नहीं कर पाएंगे। ओके, तो वही चीज़ हमने यहाँ पर लिखा है, देखते हैं। इम्प्लिसिट फंक्शंस आर एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म एफ ऑफ एक्स वाई इक्वल टू ज़ीरो, ठीक है, जो कि मैंने भी बताया इम्प्लिसिट फंक्शन को कैसे एक्सप्रेस करा जाता है, एफ ऑफ एक्स वाई इक्वल टू ज़ीरो, ठीक है। इसका मतलब कि वह फंक्शन जिसमें एक्स और वाई दोनों वेरिएबल्स हो। फॉर इम्प्लिसिट फंक्शंस, फॉर इम्प्लिसिट फंक्शंस मीन्स इम्प्लिसिट फंक्शन के लिए वी कैनॉट एक्सप्रेस वाई इन टर्म्स ऑफ एक्स अलोन और वाइस वर्सा, ठीक है। हम क्या नहीं कर सकते, वी कैनॉट एक्सप्रेस, हम यहाँ पर वाई को एक्स के टर्म में, ठीक है, एक्सप्रेस नहीं कर सकते, वैसे ही एक्स को भी हम वाई के टर्म में एक्सप्रेस नहीं कर सकते। वाइस वर्सा का मतलब एक्स को भी हम वाई के टर्म में एक्सप्रेस नहीं कर सकते। जैसे कि हमने यहाँ पर ये वाई को एक्स के टर्म में एक्सप्रेस किया है, ठीक है, वही यहाँ पर लिखा है वी कैनॉट एक्सप्रेस, हम एक्सप्रेस नहीं कर सकते किसे, वाई के टर्म को एक्स में, ठीक है, क्योंकि ये तो एक्सप्लिसिट फंक्शन है। कौन सा फंक्शन है ये, एक्सप्लिसिट। तो एक्सप्लिसिट फंक्शन में हम क्या कर सकते हैं, वाई के टर्म को एक्स में एक्सप्रेस कर सकते हैं, दर्शा सकते हैं। लेकिन जब इम्प्लिसिट फंक्शन की बारी आती है तब वहाँ पर हम y को सिर्फ x के इसमें वेरिएबल x के फॉर्म में दर्शा नहीं सकते। देखिए यहाँ पर हम y के फॉर्म y इक्वल टू इस फंक्शन को दर्शाने की एक्सप्रेस करने के लिए ट्राई कर रहे थे तो भी यहाँ पर वेरिएबल y आया हुआ है, ठीक है। तो वही वहाँ पर लिखा है कि वी कैनॉट एक्सप्रेस y इन टर्म ऑफ x अलोन, सिर्फ कोरे x के लिए नहीं दर्शा सकते या फिर x को भी y के लिए नहीं दर्शाया जा सकता। अब ये इम्प्लिसिट फंक्शंस को सॉल्व करने के लिए हमें कुछ वर्किंग रूल्स, कुछ स्टेप्स को क्या करना पड़ता है, फॉलो करना पड़ता है। टू ऑब्टेन डेरिवेटिव ऑफ सच फंक्शंस वी हैव फॉलोइंग वर्किंग रूल, कुछ वर्किंग रूल है, देखते हैं इसकी फर्स्ट वर्किंग रूल क्या है। Differentiate each term of the relation with respect to x using rule of differentiation. First step में एकदम easy sentence लिखा हुआ है, क्या करना है सब में पहले, अभी तक जैसे कि हम सब में पहले differentiate करते आए हैं वही यहाँ पर भी करना है। हमें क्या करना है सब में, first step differentiate करना है दिए हुए function को, okay? उसके बाद सेकेंड स्टेप देखिए, मल्टीप्लाई द डेरिवेटिव ऑफ y टर्म्स बाय dy by dx टू शो दैट y इज अ फंक्शन ऑफ x। इसका मतलब यह होता है जब भी आप इम्प्लिसिट फंक्शन में y का भी डेरिवेटिव लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पर y भी क्या है, वेरिएबल है, तो हम जब भी y का डेरिवेटिव लिखेंगे, ठीक है, तो उसके साथ में हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है किसे, dy by dx को, ठीक है। मल्टीप्लाई करने से क्या होता है, वह क्या शो करता है कि y किसका फंक्शन है, x का, ओके। फिर से सुनिए, हम जब भी डेरिवेटिव ऑफ y लिखेंगे, y का डेरिवेटिव लिखेंगे, तो उसके बाद में उसे dy by dx से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। उसका मतलब होता है कि y x का फंक्शन है, ओके। फिर नेक्स्ट स्टेप में, लास्ट स्टेप में क्या करना है,
लेफ्ट हैंड साइड में dy by dx के टर्म को कलेक्ट करना है. कलेक्ट टर्म्स विथ dy by dx ऑन लेफ्ट हैंड साइड. हम एक तरफ एक साइड में जहाँ पर भी dy by dx लिखा रहेगा उस टर्म को लिखेंगे, और दूसरी तरफ में जहाँ पर dy by dx नहीं लिखा रहेगा उस टर्म को लिखेंगे, एंड दोज विदाउट dy by dx ऑन राइट हैंड साइड. ओके, तो इस तरह से हम क्या फाइंड कर पाएंगे, dy by dx. ओके, तो अब हमने ये जो टर्म लिखा है इसे हम क्या करते हैं, इसे हम हमारी वर्किंग रूल के अकॉर्डिंगली फॉलो करके सॉल्व करने की कोशिश करते हैं. ठीक है, तो जिससे कि आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा कि वह किस तरह से आपको सॉल्व करना है. ओके, तो क्या टर्म दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू साइन एक्स वाई. तो सब में फर्स्ट स्टेप अकॉर्डिंग टू द वर्किंग रूल क्या है, सब में पहली स्टेप में हमें उसे डिफरेंशिएट करना है. ठीक है, तो हम करेंगे इसे डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स. इसका मतलब क्या होता है, डी बाय डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू डी बाय डी एक्स ऑफ साइन एक्स वाई. एक्स वाई, ओके. तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या हो जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड में ब्रैकेट के अंदर दो टर्म्स हैं, उनके बीच में प्लस का साइन है, तो हमें सब में पहले क्या करना पड़ेगा, हमें सब में पहले उसे सेपरेटली डी बाई डी एक्स प्रोवाइड करना है. डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस डेरिवेटिव डी बाई डी एक्स ऑफ वाई स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स वाई. तो इसे सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, हम सब में पहले स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ डेरिवेटिव देखेंगे. तो हमारे स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ डेरिवेटिव में हमारे पास डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स दिया हुआ है, क्या हो जाता है, डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स इक्वल टू कॉस एक्स. ओके, यही वाला हम क्या करेंगे, वहाँ पर फॉर्म यूज़ करेंगे. ठीक है, डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स इक्वल टू कॉस एक्स. तो यहाँ पर एक्स की जगह पर क्या है, एक्स वाई, तो हमने यहाँ पर लिख दिया एक्स वाई. ओके, अब ध्यान देंगे आप सभी, मैंने आपको कंपोजिट फंक्शन में बताया था कि जब भी आप स्टैंडर्ड फॉर्म से फॉर्मूला लिखोगे तो चेक करना कि कहाँ पर आपका डिफरेंस आ रहा है, तो कहाँ पर आ रहा है, एंगल में. तो ये आपका क्या हो गया, डिस्टर्बेंस टर्म, क्या हो गया, डिस्टर्बेंस टर्म. तो हम डिस्टर्बेंस टर्म का क्या लिखते हैं, हम डिस्टर्बेंस टर्म का फिर से लिखते हैं डेरिवेटिव. ओके, इसके बाद अब हमें लिखना है डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर. तो डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर सभी को पता होगा, क्या करना है, फिर से हमें फॉर्मूले की लिस्ट देखना है. तो कौन सा फॉर्मूला हो जाएगा हमारा, डेरिवेटिव ऑफ एक्स रेस्ट टू द पावर एन वाला, क्या होता है ये, एन टाइम एक्स रेस्ट टू द पावर एन माइनस वन. यहाँ पर वेरिएबल एक्स की जगह एक्स ही वेरिएबल दिया है, लेकिन एन, एन की जगह पर क्या दिया हुआ है, ये एन है, इसकी जगह लिखा है यहाँ पर टू. ओके, तो हमारा टर्म हो जाएगा टू टाइम एक्स टू द पावर टू माइनस वन प्लस. देखिए जब भी आप लोग डिफरेंशिएट कर रहे हैं, अगर आप लोगों ने अभी तक ध्यान नहीं दिया होगा, तो अब यहाँ पर देखिए कहाँ पर चेंज हो रहा है. अभी तक हम जितने भी फंक्शंस के डेरिवेटिव लिख रहे थे, तो मैंने आपको कहा था कि
जो डिनोमिनेटर में वेरिएबल है वो हमारा क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है. ओके, तो डिनोमिनेटर में तो वेरिएबल एक्स ही था, लेकिन न्यूमरेटर में भी आपका क्या था, वेरिएबल एक्स ही आ रहा था. ठीक है, आप एक्स को ही एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे थे, लेकिन अब यहाँ पर चेंज है. ठीक है, वाई कॉन्स्टेंट है क्या? नहीं. आप लोग को बहुत सारे स्टूडेंट मिस्टेक कर देते हैं इम्प्लिसिट फंक्शन में, वाई कॉन्स्टेंट नहीं है, वाई भी क्या है, वेरिएबल है. ओके, हाँ, तो हमें जो भी वेरिएबल्स रहते हैं उन सब का क्या लिखना पड़ता है, डेरिवेटिव लिखना पड़ता है. लेकिन हमें y को क्या करना है, किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, x के. ठीक है, इम्प्लिसिट फंक्शन में इस तरह के जो टर्म्स आएंगे वही क्या है, सब में इम्पॉर्टेंट स्टेप है. तो अब आप लोग इसका डेरिवेटिव कहाँ से लिखेंगे, तो आपको फिर से क्या करना है, वही स्टैंडर्ड फॉर्मूले की लिस्ट में से कंपेयर करना है. y हमारा वेरिएबल है और 2 क्या है, कॉन्स्टेंट है. तो इस तरह का कौन सा फॉर्मूला है हमारे पास, डेरिवेटिव ऑफ x रेज टू द पावर n वाला. ओके, तो यहाँ पर x की जगह पर है y और n की जगह पर है 2. ठीक है, हाँ, तो ये क्या हो जाएगा आपका टर्म, ये हो जाएगा 2 टाइम y रेज टू द पावर 2 माइनस 1. ओके, फर्स्ट स्टेप क्या थी वर्किंग रूल की, सब में पहले डिफरेंशिएट करना था, जो कि हमने यहाँ पर सब में पहले डिफरेंशिएट किया. ठीक है, अब सेकेंड स्टेप में क्या है, जब भी आप डेरिवेटिव ऑफ वाई लिखोगे तब क्या करना है आपको, उसे मल्टीप्लाई करना है. किससे मल्टीप्लाई करना है, डी वाई बाय डी एक्स से. तो अभी हमने यहाँ पर क्या लिखा है, अभी हमने यहाँ पर y का डेरिवेटिव लिखा है. ठीक है, डेरिवेटिव ऑफ y लिखा, तो अब हमें यहाँ पर उसका क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा dy वाई बाय डी एक्स से. ओके, तभी ये कंप्लीट होगा, नहीं तो अभी हमने रिसेंट में क्या पढ़ा है, कंपोजिट फंक्शन. तो आप लोग उससे भी कंपेयर कर सकते हो, किस तरह से, आप लोगों ने कंपोजिट फंक्शन देखा, तो अकॉर्डिंग टू द कंपोजिट फंक्शन देखिए, ये आपका कौन सा वेरिएबल है, x, और ये क्या है, y. डिफरेंस है दोनों में, तो ये क्या हो गया हमारा, डिस्टर्बेंस टर्म. तो डिस्टर्बेंस टर्म का हम फिर से क्या लिखते हैं, डी बाय डी एक्स. इसका मतलब कि डेरिवेटिव ऑफ क्या है डिस्टर्बेंस टर्म, y. तो हमने फिर से लिखा डेरिवेटिव ऑफ y. ओके, नेक्स्ट स्टेप हो जाएंगी हमारी इक्वल टू cos एक्स वाई एज इट इज. यहाँ पर अब क्या है, डेरिवेटिव ऑफ एक्स वाई. ये जो x और y है ये कैसे हैं, मल्टीप्लिकेशन में है और दोनों ही वेरिएबल हैं. तो हमें यहाँ पर क्या अप्लाई करना पड़ेगा, हमें यहाँ पर प्रोडक्ट रूल अप्लाई करना पड़ेगा. ठीक है, हमारा प्रोडक्ट रूल कैसा होता है, प्रोडक्ट रूल के अकॉर्डिंगली हम इसे फर्स्ट टर्म कंसिडर करेंगे और y को सेकेंड टर्म. ओके, इसके बाद अब हम प्रोडक्ट रूल अप्लाई करेंगे. तो क्या है हमारा प्रोडक्ट रूल का कंसेप्ट, फर्स्ट इनटू डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड इनटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, ब्रैकेट कंप्लीट. इसके बाद हमारी नेक्स्ट स्टेप क्या हो जाएंगी, 2x. यहाँ पर पावर में 2 माइनस 1 लिखा है, 2 माइनस 1 1. यहाँ पर x क्यूब पर पावर में 1 दिया तो भी चलेगा, अगर नहीं लिखा तो भी चलेगा. ठीक है, अगर लिखना है तो आप इस तरह से 1 लिख सकते हैं. ओके, नहीं तो इसे मत लिखिए. ठीक है, प्लस का साइन 2 टाइम, सेम यहाँ पर भी y एज इट इज, 2 माइनस 1 पावर का 1, तो जो कि हम नहीं लिख रहे हैं, इन टू डी वाई बाय डी एक्स इक्वल टू कॉस
एक्स वाई ब्रैकेट एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स एज इट इज प्लस वाई इंटू डेरिवेटिव ऑफ एक्स वन। ठीक है, अब इसके आगे सॉल्व होगा क्या? नहीं, लेफ्ट हैंड साइड तो जैसे का वैसा ही रहेगा एज इट इज। राइट हैंड साइड में हम क्या करेंगे? राइट हैंड साइड में हम कॉस एक्स वाई से ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करेंगे, कॉस एक्स वाई इंटू एक्स डी वाई बाय डी एक्स प्लस कॉस एक्स वाई इंटू, यहाँ पर वाई इंटू वन वाई। ठीक है, हमने वर्किंग रूल के अकॉर्डिंगली हमारी फर्स्ट और सेकेंड स्टेप वर्किंग रूल की फॉलो किया। अब कौन सा स्टेप हमें यूज़ करना है? स्टेप नंबर थ्री। क्या है स्टेप नंबर थ्री में? हम क्या करते हैं, हम एक तरफ डी वाई बाय डी एक्स के टर्म को कलेक्ट करते हैं, कौन सी साइड में? लेफ्ट हैंड साइड में, और दूसरी तरफ विदाउट डी वाई बाय डी एक्स। ठीक है, तो अब देखिए जहाँ पर भी डी वाई बाय डी एक्स लिखा होगा, ठीक है, जहाँ पर भी डी वाई बाय डी एक्स लिखा होगा, कहाँ कहाँ पर लिखा हुआ है? यहाँ पर और यहाँ पर, दो जगह पर क्या है? डी वाई बाय डी एक्स लिखा हुआ है। ठीक है, तो हमें ये डी वाई बाय डी एक्स के टर्म को कहाँ लिखना है? लेफ्ट हैंड साइड में। तो टू वाई डी वाई बाय डी एक्स ऑलरेडी कहाँ पर है? लेफ्ट हैंड साइड में है, तो ये हमने जैसे का वैसा यहाँ पर लिख दिया। ओके, अब इक्वल टू के बाद वाला जो टर्म है उसके सामने में कोई साइन नहीं है, तो कौन सा साइन है यहाँ पर? प्लस का। ठीक है, अगर हम इसे राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड में लेकर आएंगे तो प्लस का क्या हो जाता है? माइनस कॉस एक्स वाई इंटू एक्स डी वाई बाय डी एक्स इक्वल टू, राइट हैंड साइड में हमें क्या लिखना है? वो टर्म जिसमें कि डी वाई बाय डी एक्स नहीं लिखा हो। तो यहाँ पर राइट हैंड साइड में एक टर्म पहले से दिया हुआ है, कॉस एक्स वाई इंटू वाई। लेफ्ट हैंड साइड में भी एक टर्म है जिसमें कि डी वाई बाय डी एक्स नहीं है, वो क्या है? टू एक्स। हम इसे राइट हैंड साइड में लेकर आ रहे हैं तो ये प्लस का क्या हो जाएगा? माइनस टू एक्स। ओके, अब इस तरह का टर्म आने के बाद क्या करना है? डी वाई बाय डी एक्स को हमेशा कॉमन ले लेना है और फिर ब्रैकेट के अंदर क्या लिखोगे? जो भी उसके अलावा रिमेनिंग टर्म रहेंगे। आपने डी वाई बाई डी एक्स तो लिख लिया, यहाँ से क्या दिखाई दे रहा है आपको जो हमने नहीं लिखा है? टू वाई माइनस ये जो एक्स है और यहाँ पर ये जो एंगल एक्स वाई है, ये दोनों ही अलग अलग है। ये एक्स को आप कॉस के एंगल के साथ में मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। ओके, अगर आप चाहो तो ये एक्स को सामने में भी लिख सकते हैं, एक्स कॉस एक्स वाई ब्रैकेट कंप्लीट। वैसे ही यहाँ पर ये जो वाई है उसे भी हम स्टार्टिंग में लिख सकते हैं, वाई कॉस एक्स वाई माइनस टू एक्स। नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या फाइंड आउट करना है? डी वाई बाय डी एक्स। ओके, तो डी वाई बाय डी एक्स इक्वल टू, राइट हैंड साइड में ये जो टर्म है वो जैसे का वैसा रहेगा, अब लेफ्ट हैंड साइड में ये जो ब्रैकेट टर्म है, ठीक है, ये टर्म डी वाई बाय डी एक्स के साथ में मल्टीप्लिकेशन में है,
तो इसे हम कहाँ लेकर आएंगे, इसे हम राइट हैंड साइड में लेकर आएंगे, तो ये कहाँ आ जाएगा, डिवीजन में। तो इस तरह से हमने क्या कर लिया, इस तरह से हमने एक इम्प्लिसिट फंक्शन से डीवाई बाई डीएक्स फाइंड आउट कर लिया। जब आप इम्प्लिसिट फंक्शंस को सॉल्व करोगे और डीवाई बाई डीएक्स फाइंड आउट करोगे, तब आपको राइट हैंड साइड में जो भी आपका आंसर मिलेगा, डेरिवेटिव मिलेगा, वहाँ पर भी दोनों वेरिएबल्स, वेरिएबल एक्स और वेरिएबल वाई हमेशा रहेंगे। आया समझ में, क्या रहेंगे, वेरिएबल एक्स और वेरिएबल वाई दोनों रहेंगे। ठीक है, आप लोग इसके पहले का आप लोग ने जो भी नोट डाउन किया होगा नोट्स में से जो मैंने आपको भेजा है या फिर वीडियो में से, तो वहाँ पर आप लोग ध्यान देंगे कि इसके पहले अभी तक जब भी आप लोगों ने dy by dx फाइंड आउट किया तो आप लोग को राइट हैंड साइड में सिर्फ वेरिएबल x वाले ही टर्म मिलते थे। ओके, लेकिन अब ये क्या है, इम्प्लिसिट फंक्शन। इम्प्लिसिट फंक्शन में क्या होता है, इम्प्लिसिट फंक्शन में x और y दोनों वेरिएबल कैसे रहते हैं, साथ में रहते हैं। y को हम x के साथ अकेले नहीं दर्शा सकते और नहीं x को y के बिना। ओके, दोनों कैसे रहते हैं, एक साथ रहते हैं। ठीक है, दोनों ही यहाँ पर वेरिएबल है, इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। तो इस तरह के फंक्शन को हम क्या कह सकते हैं, इम्प्लिसिट फंक्शन। यही हमारा क्या है, इम्प्लिसिट फंक्शन का डिस्क्रिप्शन है कि आपको पता होना चाहिए कि इम्प्लिसिट फंक्शन क्या होता है। वह फंक्शन जिसमें वेरिएबल एक्स और वाई दोनों ही वेरिएबल्स आते हैं और वहाँ पर हम एक्स और वाई दोनों को अलग अलग नहीं कर सकते। जैसे कि हमने यहाँ पर ये y और यहाँ पर राइट हैंड साइड में x है, इन्हें अलग अलग दर्शाया है, वैसा हम इम्प्लिसिट फंक्शन में नहीं कर सकते। ओके, तो ये जो डिस्क्रिप्शन है इसे बहुत अच्छे से ध्यान से पढ़िए, नोट डाउन करिए और वर्किंग रूल्स को ध्यान रखिए फॉलो करने के लिए, तभी आप लोग इससे रिलेटेड एग्जाम्पल्स को क्या कर पाएंगे, ईजीली और अच्छे से समझ कर सॉल्व कर पाएंगे। Our upcoming topic is examples based on derivative of implicit functions. Thank you.